यदि सृष्टि हमें चलानी है तो कन्या संतान बचानी है। यदि सृष्टि हमें चलानी है तो कन्या संतान बचानी है। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद। मान्यवर व्यासपीठावर स्थानापन्न झाले आहेत, या सगळ्यांचं आपण स्वागत करणार आहोत। या चार वर्षात स्मार्ट नगरसेवक, विदर्भ प्राइड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स आदी वेब सीरीज NWM वर राबवण्यात आल्या। NWMचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांच्या कार्याची दखल घेत दरवर्षी NWM विमेन एक्सलन्स अवॉर्ड्स देते। ही सगळी क्षेत्र इथे तुम्हाला फ्लेक्सवरती दिसत असेल, वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या उल्लेखनीय महिला। या वर्षी मला सांगायला खूप आनंद वाटतो आणि NWMचा अभिमान वाटतो, या वर्षी अशा 44 महिलांचा सत्कार आज आयोजित आहे आणि तेच आजच्या कार्यक्रमाचे अभिवादन करते। आज आपण महिला दिन साजरा करण्यासाठी, महिलांचा सत्कार करण्यासाठी आपण इथं आलेलो आहोत। नॅशनल वेब मीडियाचं मी खूप खूप आभार मानते। ते प्रत्येक वर्षी सामाजिक बांधिलकी जपून प्रत्येक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचा सत्कार करतात। ज्याही कुठल्या सभागृहामध्ये महिलांचा सत्कार होतो तेव्हा मला असं वाटतं की हे काही हे मंदिरापेक्षा कमी नाही। किंवा जेव्हा महिलांचा सत्कार होतो खरंच मला खूप आनंद होतो की एक पावित्र्य त्या हॉलमध्ये असतात, त्याच्यामुळे आज एक वेगळाच मास या महिलांमध्ये या सभागृहामध्ये आहे। थोडे वाईट आहेच पण तू हिरमसून जाऊ नकोस, आयुष्य खूप सुंदर आहे, फक्त तू खचू नकोस। सामर्थ्य आहे तुझ्या हातात स्वप्नांना डोळ्यात घेऊन चल। संकटाशी भिडवून छाती दोन हात करत चल। विजय तुझाच होईल। तेव्हा तू मागे म्हणून पाहू नकोस, आयुष्य खूप सुंदर आहे, फक्त तू खचू नकोस। ही अपेक्षा मी आज तुमच्याकडे करते। तुम्हाला सर्वांना महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते आणि इथे नॅशनल वेब मीडियांचा मी खूप खूप आभार मानते की प्रत्येक वर्षी या महिलांचा आपण सत्कार करता, त्यांना काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देता, त्याबद्दल मी तुमच्या सर्वांचे आभार मानते। आणि आपण आठवणीने मला इथे बोलवता त्याबद्दल आपली मी खूप खूप आभारी आहे। परत एकदा सर्वांना महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। धन्यवाद। मातृ शक्ति को लेकर के आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। इस वर्ष का महिला दिवस का स्लोगन भी जेंडर इक्वलिटी इस विषय को लेकर के रखा गया है। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो कुटुंब सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां से उन्होंने अपने मद्रास के एक मित्र को पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं जब यहाँ आया तो पाश्चात्य सड़कों पर पुरुषों के बराबर महिलाएं कदम से कदम मिला करके काम करते हुए दिखाई दे रही है। और यह देख करके मुझे ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान ने अपनी आधी आबादी को घर के चौके और बच्चों तक सीमित रख दिया है। अगर हिंदुस्तान में भी घर की माताओं और बहनों को विदेशों जैसा घर से बाहर निकल के काम करने का सौभाग्य मिले तो हिंदुस्तान दुगनी गति के साथ में प्रगति करेगा, कारण आधी आबादी ने पूरी आबादी में विदेश के स्थान में काम कर सकेगा। स्वामी जी का वह पत्र और आज का स्लोगन
दोनों सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भाई भारत सरकार ने यह तो किया। हाँ हाँ, विदर्भ प्राइड का पुरस्कार है। सोनाली अरोड़ा यांच्या नंतर सोनाली अरोड़ा तैयार होती, मोनिका जैन यांच्या नंतर तैयार होती, मोनिका जैन जैन जुम्बा इंस्ट्रक्टर एंड डांस कोरियोग्राफर पायल कुंडेला वर्षा शेळके हा पुरस्कार स्वीकारतात। निधी पुरा आणि सोशल वर्कर प्रोप्रायटर ऑफ फिटसो विजेता अधिकारी बिझनेस वुमन बिझनेस वुमन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एनजीओ सोनी सिंह रेडी रहा सोनी सिंह डॉक्टर पूर्णिमा काक्ता जी टीवी याच्या मध्ये हा जोड झालेला आहे बहुत बहुत अभिनंदन। और जिनका नॉमिनेशन सिलेक्ट नहीं हो पाया है वो
कुछ क्राइटेरिया रहता है जिसके थ्रू हमें कुछ चयन करना था, तो हमने अभी 44 नॉमिनेशन इस बार सिलेक्ट करे हैं, लेकिन आगे चल के इसकी संख्या हम और भी बढ़ाएंगे ताकि हर लेडीज को एक प्लेटफॉर्म, एक उनके जो भी उन्होंने वर्क किया है उनको कहीं ना कहीं रिकग्नाइज करने का हमारा जो प्रयास है ऐसा ही चलते रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जन उपस्थित हुए और इस प्रोग्राम की शोभा आप सबने बढ़ाई। थैंक यू। एक बार सब आगे देखिए कि